हमीरपुर में पिछले 17 दिन से वन टाइम रिलैक्सेशन के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के बाहर डटे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 556 के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने इन्हें ओटीआर देने की मंशा विधानसभा सत्र के दौरान जाहिर की है। हमीरपुर में 17 दिनों से वन टाइम रिलैक्सेशन के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के बाहर डटे जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट पोस्ट कोड 556 के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के आह्वान के बाद रविवार को अपना धरना समाप्त कर दिया। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने इन्हें ओटीआर देने की मंशा विधानसभा सत्र के दौरान जाहिर की है। कहा गया है कि प्रदेश सरकार इन्हें जल्द नौकरी देगी। प्रदेश सरकार से मिली राहत के बाद अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित सुल्तानपुर के विधायक राजेंद्र राणा का आभार जताया। अभ्यर्थियों का कहना है कि ओटीआर मिलने के बाद इन्हें करीब 500 से अधिक पदों पर नौकरी मिल जाएगी। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के कारण ही इन्होंने धरना समाप्त किया है। धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। हमारे इस 556 के जो हमने जो धरना प्रदर्शन शुरू किया था उसके बारे में आपने हमारे संज्ञान लिया। आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसका मोटिव है कि जो हमारी समस्या थी, बीते 17 दिनों से हम हिमाचल प्रदेश टास्क एक्शन कमीशन के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, तो उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विधानसभा के पटल पर संज्ञान लिया गया, जिसका हम स्वागत करते हैं, और उन्होंने हमारे पक्ष में ओटीआर देने के लिए आश्वासन दिया है, जिसके लिए हम उनका दोबारा से स्वागत करते हैं। उन्होंने माननीय विधायक श्री राजेंद्र राणा जी के प्रश्न के जवाब में जो उन्होंने हमारे संदर्भ में उठाया था कि हम जो इलेक्टेड कैंडिडेट हैं 556 JOIT के, उनके लिए सरकार क्या करना चाह रही है, तो उसके जवाब में माननीय मुख्यमंत्री ने ओटीआर देने के लिए आश्वासन दिया है। तो और जिसके हम स्टेटमेंट आपको, तो जो हम JOIT के जो हम कैंडिडेट्स थे सारे, जिन्होंने चयन प्रक्रिया की फाइनल हर एक प्रक्रिया पूरी करने के बाद हम लोग जो है फाइनल तक पहुंचे थे, जिन्हें अंतिम चरण में बाहर किया गया, तो हमारी मांग थी कि सरकार हमें वन टाइम रिलैक्सेशन देके हमें राहत प्रदान करे। इसके प्रति मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और हमें राहत देने का आश्वासन दिया है। तो आज हम उनके आश्वासन पर भरोसा करते हुए अपने 17 दिन का जो धरना था उसको समाप्त करने की घोषणा कर रहे हैं, और उनके आश्वासन और हम उनसे ये भी आशा करते हैं कि जो उन्होंने ये आश्वासन दिया है उसको जल्दी से जल्दी अपने अधिकारियों के माध्यम से विद इन वीक, एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर इसे इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे और हम सभी अभ्यर्थियों को लाभ देंगे। नए साल का जो है तोहफा भी मिल जाएगा, नौकरी का राजेंद्र राणा जी का, और उनके पुत्र श्री अभिषेक राणा जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से और विधानसभा के पटल के ऊपर हमारे समस्या को रखा और उसके प्रति सरकार का ध्यान आकर्षण किया। उसके अलावा साथ ही मैं अपने सभी मीडिया कर्मियों का और अपने सभी साथी जो मेरे हमारे साथ इस धरना प्रदर्शन में इतने दिनों से लगे रहे, जो यहाँ पे आ सकते थे उन्हें आके सहयोग किया, जो नहीं आ सकते थे उन्होंने हमें फाइनेंशियली, उनका भी धन्यवाद, उन्होंने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हमें इतनी सफलता मिली है। तो आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद, आपने भी हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाया है, ठीक है। और तो सर, ये तो प्रश्न वैसे सरकार से बनता है, क्योंकि उन्होंने विधानसभा के इतने बड़े मंच के ऊपर इसको स्वीकार किया है कि वो हमें ओटीआर दे रही है, अगर वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो ये सवाल तो उनसे बनता है कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं। जब हमारा स्टेप तो ये रहेगा कि हम उनसे दोबारा से मांग करेंगे और जितना हम कर सकते होंगे, हम क्योंकि कानून के खिलाफ तो हम भी नहीं जाएंगे। अभी प्लानिंग तो हमारी शांतिपूर्वक ही है, लेकिन हम उसको थोड़े बड़े स्तर पे करेंगे। हम ये कह सकते हैं आप ये शिमला में के बाद शिमला में प्रदर्शन करने के लिए हम तैयार हैं। आपको बता दें कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 556 के तहत हायर एजुकेशन व प्राइवेट कंप्यूटर डिप्लोमा धारकों को नौकरी से वंचित कर दिया गया था। करीब 5 साल पहले प्रदेश सरकार ने 1156 पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति निकाली थी। लिखित परीक्षा सहित अन्य चरण पूरा करने के बाद भर्ती एवं पदोन्नति नियमों का हवाला देकर हायर एजुकेशन प्राइवेट कंप्यूटर डिप्लोमा धारकों को नौकरी से वंचित कर दिया गया था। इस कारण करीब 2400 अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में
शामिल नहीं हो पाए थे और उन्हें बाहर कर दिया गया था। ये अभ्यर्थी प्रदेश सरकार से OTR यानी कि वन टाइम रिलैक्सेशन की मांग कर रहे थे। वन टाइम रिलैक्सेशन के लिए पिछले 17 दिनों से ये युवा कर्मचारी चयन आयोग के बाहर धरने पर बैठे थे। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा के माध्यम से विधानसभा सत्र के दौरान इन अभ्यर्थियों का मुद्दा रखा गया था। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार काम करेगी। ऐसे में अब सरकार इन अभ्यर्थियों को OTR भी दे सकती है। कार्यक्रम में वक्त चला छोटे ब्रेक का ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद।